हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और ये देखिए, मैं आज ठेले वाली चाट घर में ही बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मेरी रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और ये देखिए, मैं मैदा ले ली हूँ, उसमें मैं मंगरेल डाल रही हूँ और इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे। और उसके बाद इसमें मैं तेल डालूँगी मोयन के लिए, तो ये रिफाइंड तेल है, इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसका अच्छे से और इसे गूंथ लेंगे पानी की हेल्प से। तो ये गूंथ लेते हैं पहले। और ये देखिए, हमारा आटा गूंथ चुका है, इसे कुछ देर के लिए ढककर छोड़ दूंगी। और उसके बाद चलिए, मैं आलू बॉईल कर ली हूँ। और ये देखिए, मैं आलू का छिलका निकाल रही हूँ, ये देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। और इधर मैं ज़ीरा और गोल मिर्च भून ली हूँ, ये देखिए उसका पाउडर भी बना ली हूँ। और छोले में डालने के लिए, छोले और समोसे दोनों के लिए मैं एक के साथ काट ली हूँ, तो ये हरी मिर्च है और ये है प्याज, उसको बारीक बारीक काट ली हूँ। और ये इमली डाली हूँ पानी में फूलने के लिए। और ये इधर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना ली हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई गर्म की हूँ, उसमें सरसों तेल डाली हूँ। और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें ज़ीरा और तेज़पत्ता डालूँगी। और उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, तो आधा ही डालूँगी। और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ, तो इसे भून लेती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद इसमें फिर प्याज डालूँगी। तो चलिए, इसमें अब मैं मसाले ऐड कर देती हूँ। तो हल्दी डाली हूँ और धनिया पाउडर डाली हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। और आलू को मैश कर लेंगे इसे अच्छे, मतलब पूरा मैश नहीं करना है, दो टुकड़ों में कर लूँगी। और इधर देखिए, हमारा मसाला भी बन रहा है। तो आपको ये चाट ज़रूर पसंद आएगा, आप लोग ट्राई ज़रूर कर कीजिएगा एक बार। ये देख सकते हैं हमारा मसाला कितना अच्छा बनकर रेडी हो गया है। तो इसमें मैं अब आलू ऐड कर रही हूँ। और ये मैं समोसे की तैयारी कर रही हूँ, पहले हम समोसा बनाएंगे। समोसा जब बन जाएगा उसके बाद मैं छोले बनाऊंगी। तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं मसाले में। और अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे मैं अब मतलब गैस बिल्कुल कम कर छोड़ दूंगी एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ और इसमें तेल डाल दी हूँ। इसके बाद मैं सूखी लाल मिर्च डाली हूँ। और ये देखिए, उसमें मैं आलू के मसाले में मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। और इसे बिल्कुल गैस कम कर इसे अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू फिर आती है। और इसके बाद मैं इसमें ज़ीरा डाल दे रही हूँ और जो प्याज काटी थी वो डाल दे रही हूँ। और इसे एक मिनट भूनने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का जो मैं पेस्ट बनाई हूँ वो भी इसमें डाल दूँगी। तो चलिए, इसे भून लेते हैं। और ये देखिए, मैं हरी मिर्च भी इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये मैं अब छोले की तैयारी कर रही हूँ। तो अब इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। तो मसाले में मैं मिर्ची पाउडर डाली हूँ और ये है हल्दी पाउडर। उसके बाद मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो पहले, और ये देखिए, ये वैशाली सब्जी मसाला है, ये मिक्स सब्जी मसाला होता है, तो इस भी थोड़ा सा डाल दूँगी। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो चलिए, और ये देखिए, ये दही है, तो ये बिल्कुल फ्रेश दही है, हम लोग घर में ही जमाए थे, तो इसमें ऐड कर दी हूँ। और अब मसाले अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद मैं आलू, उबला हुआ आलू इसमें डाल दे रही हूँ और थोड़े से गरम मसाला डाल देंगे। आलू डालने से चाट का जो ग्रेवी है थोड़ा गाढ़ा होगा, तो थिन या थिक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और थोड़ी सी पानी डालकर इसे हम भून लेंगे। ये देखिए, मटर को हम लोग पूरी रात भिगो दिए थे और अभी मैं इसे दो तीन सीटी लगा ली हूँ, तो ये बिल्कुल पक चुका है। तो चलिए, इसमें ऐड कर देते हैं अब और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, तो इसे भी मिला लेती हूँ।
काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे एक बार। तो ये देखिए मैं अब पानी भी इसमें ऐड कर दी हूँ, तो पानी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक या थिन जैसा भी आपको खाना है उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो हमारा छोला बिल्कुल रेडी है, इसका गैस मैं बंद कर दी हूँ और इधर समोसे बनाने के स्टार्ट की हूँ। तो ये देखिए पहले पूरी की तरह बेल लिए हैं, उसके बाद ऐसे कोन बनाकर उसके अंदर आलू का जो फिलिंग है वो डालूँगी इसमें। ये देखिए इसके अंदर डाल देंगे और ऊपर से पानी किनारे पे लगाकर इसे चिपका देंगे। ये देख सकते हैं हमारा समोसा रेडी हो चुका है। ये देखिए अभी फ्रेंड्स लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग बिल्कुल बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे हैं और घर में ही बना रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं हम लोग तीन समोसा बना ली और धीरे धीरे इतना बना चुकी हूँ, साथ में मेरी मम्मी है, बहन है और मेरा बेटा भी है बड़ा वाला, सभी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और ये है हमारा लोहे का कढ़ाई और इसमें तेल डाली हूँ और चलिए अब समोसे फ्राई कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो ये देखिए हमारा समोसा रेडी हो चुका है, तो इसे अब मैं निकाल लेती हूँ और इसे बीच में गैस कम करते रहेंगे, गैस तेज कम करते करते इसे बना लेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से मैं और भी समोसे बना लूँगी। ये देख सकते हैं हमारा समोसा रेडी हो गया, तो मैं इसे भी निकाल लूँगी। चलिए अब चाट बनाते हैं। तो प्लेट में मैं समोसे तोड़ दी हूँ और उसके बाद मैं इसमें छोले डाल रही हूँ ऊपर से। ये देखिए छोले डाल दी, तीन चम्मच अच्छे से मैं ऊपर से छोले डाली हूँ, अभी अभी बिल्कुल गर्म है। और ये इमली का पानी है वो डाल दी हूँ, ये दही डाल रही हूँ और ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, दोनों बच्चों के लिए, तो सब कुछ कम कम डाल रही हूँ। और ये है हरी मिर्च डाल दी हूँ, ऊपर से बारीक प्याज कटा हुआ डाली हूँ और बच्चे बोले मैं टमाटर नहीं खाऊंगा तो उसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ये देख सकते हैं ये है चाट मसाला, तो ये भी डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए और ये है काला नमक, काला नमक भी डाल दी ऊपर से, काला नमक बगैर तो स्वाद अधूरा है। और थोड़ी सी इमली पानी और डाल दे रही हूँ और ये है मिक्सर। तो ये देखिए रेडी हो चुका है और ये फ्रेंड्स मेरा प्लेट है और आप लोग भी इसे खाइए। ये देखिए मैं इसमें अपने में मैं टमाटर भी ऐड की थी, तो तैयार हो चुका है चाट, आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग को कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।